तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या करना चाहते हैं। फिगर सो ए ब्लॉक आर 10 kg, एक ब्लॉक है जो 10 kg का है। मेरे भाई मास काफ़ी अच्छा खासा है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। 10 kg हॉरिजेंटल सरफेस जो फोर्स एफ एक्टिंग एट एंगल 30, एंगल ये जो एंगल है वो 30 डिग्री पे लग रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि म्यू म्यू जो परजेंट है वो 0.25% है, ठीक है, म्यू स्टेटिक है। द ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव। अब मैं कितना फोर्स लगा दूं, एफ, देखो एफ मिनिमम कितना लगा दूं जिससे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। देखो ये जेई में बहुत बार पूछा जा चुका है, एडवांस में भी आया है, मेन में भी आया है, काफ़ी बार आया है। तो मिनिमम फोर्स वैल्यू देखो, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम पगला गया, ठीक है, सस्ता नशा करके आया, पगला गया तो इसको खींच देगा भाई ऑब्जर्वर, तो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कम, मिनिमम से कम लगाओगे तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस मिनिमम जो कम है उसकी हमें वैल्यू निकालना, उस मिनिमम फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो चलो अगर आप देखोगे उस मिनिमम फोर्स की अगर वैल्यू तुम निकालोगे यहाँ से, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो चलो इस ये हॉरिजेंटल फोर्स है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस हॉरिजेंटल लाइन पे ये वाली लाइन कौन सी है मेरे भाई, वर्टिकल वाली लाइन है, और ये वर्टिकल। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम होगा F cos 30, और एफ का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जिसका नाम होगा F sin 30। तो चलो मैं सीधा ही बना देता हूँ, एफ का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा जिसका नाम होगा F sin 30। तो ये जो F sin 30 है वो बेसिकली, जो F sin 30 है वो वर्टिकली अपवार्ड आएगा ये, और ये आ जाएगा F sin 30। अब इस पे फ्रिक्शन इधर की डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μs, ठीक है, और उसकी वैल्यू μn के इक्वल होगा। इसके अलावा इस पे वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज वेट mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये चारों फोर्स मिल के इसको इक्विलिब्रियम रखेंगे। जब ये चलने वाला है होता है तो उसको हम बोलते हैं एट वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन का मतलब है कि ब्लॉक चलने वाला है उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, लिमिटिंग, उससे पहले स्टैटिक लगेगा, उसके बाद काइनेटिक लगेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब ब्लॉक चलने वाला है तो F cos 30 की जो वैल्यू है, ठीक है, इस मिनिमम फोर्स हॉरिजेंटल की जो मिनिमम फोर्स है वो बराबर होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन के, ठीक है, म्यू एन के, ठीक है। तो एफ यहाँ से एफ मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी cos 30 sin 60 √3/2, और ये म्यू एन, ठीक है। सबसे पहले मैं नॉर्मल अब निकालता हूँ, तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी F sin 30, और ऊपर एक नॉर्मल भी आएगा, ऊपर एक नॉर्मल आएगा जो ग्राउंड लगाएगा, ठीक है। F का एक कंपोनेंट F sin 30 तो आएगा ही आएगा, बात समझ में आया, लेकिन जो ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल ये भी तो ऊपर आएगा, और ये mg जो है वो अर्थ लगाएगी ये वाली, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो F sin 30 + नॉर्मल वो तो mg के बराबर होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी mg sin 30। प्यारे बच्चों, तो mg sin 30 मतलब sin 30 1/2। एक मिनट यार, क्या कर दिया, रुक जाओ, पागल थोड़ी हूँ। तो mg − F sin 30, तो F sin 30 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी mg, और −F sin 30 मतलब F/2। तो ये मिनिमम फोर्स है, इस नॉर्मल की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो अगर इस नॉर्मल की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3/2, और म्यू यहाँ से आ गया, और नॉर्मल की वैल्यू रखोगे mg − F minimum, F minimum/2। तो अब हमें चाहिए एफ मिनिमम, क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो इधर मैं लाता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थोड़ा इक्वेशन को, √3 √3 F minimum 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 2 times μ mg, और −μ F minimum इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि
कि एफ मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2μmg माइनस 2μmg। अब आइए इसको कैलकुलेट करो, 2μmg और √3 + μ, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, सबकी वैल्यू रखो, म्यू की वैल्यू देखो कितना है, तो म्यू की वैल्यू 0.25, ठीक है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और मास की वैल्यू देखो, मास कितना दिया हुआ ब्लॉक का, 10 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो और डिवाइड कर दो यहाँ से √3 + μ की वैल्यू 0.25, तो 1.100 ये इसे ख़त्म हो गया। तो ऊपर बचा 50 और नीचे बचा √3 + 0.25। तो अगर तुम यहाँ, हाँ, 50 और 0.25, अगर तुम इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाएगा 4 200 अपॉन 4√3 और +1, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब अगर सबकी वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 25.22 न्यूटन। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका सोल्यूशन है। तो 22.22, तो 22.22 कितना आया है, 25.22 आया था ना, 25.22, तो ये थर्ड सेकंड ऑप्शन सही है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक यू, बाय बाय।